गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे इस ट्यूटोरियल में। और आज मैं बताऊंगा अपना वेंस कंसेप्ट जो मैंने क्रिएट करा था, ग्लोइंग वेंस जो मेरे पीछे से निकल रही थी, तो वो मैंने कैसे क्रिएट कर रखा था। सो ये बीजी है और यहाँ पे एक रिंग है जो मैंने प्री लोड कर रखी है। अगर आपको रिंग की पीएनजी चाहिए तो बहुत पहले मैंने क्रिएट कर रखी है रिंग्स, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं एक्सटर्नल। ये इसमें मैंने बैकग्राउंड पूरा अच्छे से क्रिएट कर रखा है, ब्लर भी डाल रखा है आपके लिए कि ये बैकग्राउंड की फील लें। और मुझे कुछ और चीज़ें उस पर भी बात करनी है, जैसे आपको वेट होगा इसके फोटोशॉप ट्यूटोरियल का, तो फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स भी आज रात तक आ जाएगा, डाल दूंगा मैं होपफुली। लेकिन पूरा एक्सप्लेन्ड नहीं होगा वो, क्योंकि फोटोशॉप में ज़्यादा एक्सप्लेन करने में मेरे को टाइम ज़्यादा लगता है, और क्या कहते हैं, मेरे लैपटॉप में रिकॉर्डिंग भी सही से नहीं हो पाती है, तो उस चीज़ के लिए मैं फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स नहीं बनाता हूँ। अभी पिक्सआर्ट पे ही चल रहा हूँ। सो पिक्सआर्ट पे सपोर्ट करें, और बहुत लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं वल्गर टाइप से, तो वैसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक कम्युनिटी को ही खुद ही गंदा कर रहे हो बोल के। सो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, आप बोलोगे तो चाहे कोई गाली दो या कुछ भी दो। सो कोई चीज़ चलती नहीं है यार ऐसे। और मुझे कंटेंट बनाना दूसरों को पसंद है, जब पिक्सआर्ट पे चीज़ें आ रही हैं तो आपको आए या ना आए वो मेरे को मैटर नहीं करता, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको पता है कि यार पिक्सआर्ट का कंटेंट मिलता है, तो वो पिक्सआर्ट के लिए आते हैं, तो मैं उनको पिक्सआर्ट सर्व करता हूँ। और बहुत लोग हैं जिन्हें पसंद है। अगर आपको फोटोशॉप चाहिए तो आप वेट कर सकते हैं थोड़े टाइम तक, जब तक मेरा कंप्यूटर बिल्ड हो जाएगा, फिर मैं फोटोशॉप के भी धीरे धीरे रोल आउट करते जाऊँगा। और मेरे पे सारी पीएचडी पड़ी हुई हैं, तो मैं सारी चीज़ें फिर से रिक्रिएट करके भी डाल सकता हूँ। सो ये तो थी खैर साइड वाली बात, अब मेन आते हैं मुद्दे पे। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि इस पे बहुत सारे पिक्सआर्ट के भी ट्यूटोरियल हैं, फोटोशॉप के भी हैं। और जो फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स हैं उसमें मैंने पहले ही सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिए थे, चाहे आप ग्लोइंग का ले लो चाहे कोई सा भी ले लो, तो वो कोई इतना मैटर नहीं है कि मैं आपके ट्यूटोरियल डालूं। मैं भी सेम ही करूंगा रिम लाइट ड्रॉ, और उसी को आप देखोगे एक घंटे तक, तो कोई मैटर भी नहीं बनता। सो स्टार्ट करते हैं, फिर मैं यहाँ ऐड करता हूँ अपने आप को फोटो को। सो यहाँ मुझे दो तीन चीज़ें बतानी है कि जब आप अपने आप को ऐड करते हैं तो आपके रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। मैंने बहुत लोगों की फ़ोटोज़ देखी, सबने शेयर करी थी मेरे को, तो जस्ट मैं बताता हूँ अभी कैसे आएगा वो अच्छा रिज़ल्ट। सो यहाँ पे ये प्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ एडजस्ट में आना है, ठीक है। अब भी जो मेरा फेस है वो थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है, तो इस ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर दें, और यहाँ से चेक करें कि जो बीजी होता है ये ब्लैक स्पॉट है, और ये मेरा ब्लैक कितना मैच हो रहा है। तो अगर मैं इतना रखता तो देख सकते हैं आप कितना वो ब्राइट दिख रहा है। अगर यहाँ जीरो पे लाता हूँ मैं तो ब्राइट देखिए, और अब मैं कम करूँगा तो वो ब्राइटनेस कितनी अच्छी लगेगी। सो यहाँ पे मैं -12 तक रखूँगा, ठीक है। और एक और चीज़, मेरे को अपने स्किन में टेक्सचर चाहिए तो मैं क्लैरिटी इंक्रीज़ करूँगा, ना कि कोई और चीज़, ठीक है। इससे क्या होगा, टेक्सचर थोड़े अच्छे से इंक्रीज़ हो जाएंगे। और यहाँ मेरे को हाइलाइट्स कम करनी है थोड़े से, जो मेरे बॉडी पे हैं वो भी और जो फेस पे हैं वो भी, तो इतना समथिंग सही रहेगा, ठीक है। और यहाँ मैं टिक कर देता हूँ, तो ये मुझे परफेक्ट लग रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। और फिर आप ऐड फोटो में दोबारा आएँ, दोबारा आके आपने यहाँ करना है लॉकेट इंक्लूड। सो लॉकेट बहुत ही इजी है डालना, ये पीएनजी है, कोई पंगा है ही नहीं यार इसमें, तो आपको जस्ट जहाँ जहाँ रखना है आप रख सकते हो। जस्ट मैंने अपने हिसाब से कट कर रखी है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ टिक कर देता हूँ और वो लॉकेट भी डल गया है, ठीक है। अब इसमें ग्लो पहले से ही मैंने डाल रखा है, वो जब आप कलर ग्रेड करोगे तो और अच्छे से आएगा। और अगर आपको रिम लाइट ड्रॉ करनी है, रिम लाइट जैसे ड्रॉ होती हैं, तो इसमें मेरे को लगता नहीं है रिम लाइट का भी होगा कुछ ऑप्शन सही से, तो रिम लाइट यार इसमें ट्राई करता हूँ मैं। हार्डनेस कम, ओपेसिटी भी कम, तो इतने पे ट्राई करता हूँ मैं। और यहाँ से कलर ले लेता हूँ मैं ये ऑरेंज, ठीक है। अगर मैं रिम लाइट भी ड्रॉ करूं धीरे धीरे, सो ये थोड़ा ख़राब है रिम लाइट, मुझे और कम चाहिए ब्रश, अराउंड 5 तक चाहिए, ठीक है।
तो 5 पे आप देख सकते हैं वो रिम लाइट भी सही से ड्रॉ हो रही है, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि इसमें कैसे ड्रॉ की जाती है, लेकिन आप इसे माउस के थ्रू कर सकते हैं अगर आप OTG भी केबल से लगाएंगे तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसे रियलिस्टिक फीलिंग देना मैं बता सकता हूँ, इसमें आपको इरेजर लेनी है, ठीक है, और इरेजर को जस्ट उसकी जो हार्डनेस होती है उसे बिल्कुल कम कर दो, ठीक है, फिर साइज इंक्रीज रखो, ठीक है, और फिर जूम करके लाइक जैसे आपने यहाँ से करा है तो यहाँ से आप मिटो सकते हो उसे, ठीक है, और ये रिम लाइट की एक शक्ल ले लेगी, ठीक है। लाइक दिस वे से मैं माउस से ड्रॉ करता था कंप्यूटर में अपने, लाइक ये थोड़ा सा वो हो गया गलत, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो रिम लाइट अच्छे से क्रिएट कर दिए मैंने जूम करके ही। सो इसी में आप थोड़ा टाइम लगाएंगे, स्पेंड करेंगे तो वो हो जाएगी, और इसे यहाँ मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऐड फोटो में फिर से आते हैं, और ये मास्क मैंने क्रिएट कर रखा है, ठीक है, और ये मास्क बहुत ही इजी है डालना, बहुत लोग नहीं डाल पाते हैं यार, मतलब आईज हर किसी का रेशियो इतना ही आता है, और ये ज़ॉम्बीज आई हैं बड़ी छोटी हो जाए तो कोई पंगा नहीं होता इसमें, ठीक है। जो भी आपने अलाइन करना है, और फिर यहाँ आना है सीधा नीचे ब्लेंड, और यहाँ से ओवरले सेलेक्ट करना है, तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली यहाँ मैंने कर दिया। अगर मैं स्टेप बैक भी लेता हूँ और फिर फॉरवर्ड भी करता हूँ तो आप देख सकते हैं कितना फर्क आ गया, और इजी है, कोई इतना ड्रास्टिक चेंज भी नहीं है इसमें, ठीक है। और फिर एड इफेक्ट्स में आता हूँ, और मेन जो मेरे अपने वेन्स थे वो मैं डाल देता हूँ। अगर आपको वेन्स आपके हिसाब से डालने हैं तो आप इजीली उसे कट आउट कर सकते हैं और यहाँ प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो यहाँ ऐसे, ठीक है, जब मैच हो जाए तो ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको इरेज लेना है, अगर आपको लग रहा है कहीं एक्स्ट्रा है तो आप वहाँ से इरेज कर सकते हैं इसे, जैसे यहाँ लग रहा था मुझे थोड़ा सा, और यहाँ है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़े से हैं टेंटिकल्स, और यहाँ टोपी पे, जैकेट पे भी है थोड़ा सा, तो यहाँ तक ये ओपी है और ये बहुत ही सही है और आराम से फिट हो गया है, और इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की अब आपको ज़रूरत है नहीं जैसा मेरे को लग रहा है। और उसके बाद अब आप कलर ग्रेड की तरफ बढ़ सकते हो। कलर ग्रेड में बहुत ही सिंपल आपने करना है, एफएक्स में लाइक ब्लू कलर की ही कलर ग्रेड करता हूँ, तो ये डार्क ब्लू ले सकते हो और इसमें फेड कर सकते हो थोड़ा। सो फेड से बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, और ये जो टेंटिकल्स हैं आप देख सकते हैं ग्लो हो गए हैं, पहले से ज़्यादा थोड़े मतलब कॉन्ट्रास्टी और पंची लग रहे हैं। उसके बाद एडजस्ट में आ गया, आपको वाइब्रेंस भी सही से, पहले तो टेम्परेचर सही से एडजस्ट कर लें आपको ब्लू कलर के लिए, और फिर शेडोज़ थोड़ी सी डाउन करके और हाईलाइट्स इंक्रीज रखें कि आपका वो रिंग ग्लो रहेगा उससे, ठीक है। सैचुरेशन को भी इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ टिक कर देता हूँ। और उसके बाद जो भी अगर आपको लेंस फ्लेयर ऐड करनी है तो आप लेंस फ्लेयर कर सकते हैं ऐड, लाइक वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डालो लेंस फ्लेयर, लेंस फ्लेयर से इसमें थोड़ी सी अच्छी फील नहीं आएगी, लाइक अगर आप इतनी बड़ी करके डाल भी देते हो तो सही है, बैड नहीं है, लेकिन इतना भी बहुत परफेक्ट है। सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे को इंस्टाग्राम और वहाँ पे भी फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं आप, वहाँ मैं डालता रहता हूँ ये पोस्ट। और कंपटीशन जो था फोटो एडिटिंग कंपटीशन PEC 5, वो भी जल्दी होने वाला है, जैसे ही 20 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे Q&A आएगा एक, और फिर उसके बाद आपका ये चैनल के लिए जो भी कंपटीशन है वो आ जाएगा। उसमें आपको ईमेल के थ्रू पार्टिसिपेट करना होता है, और ईमेल मैं देता हूँ स्टोरी के अंदर, तो आप मेरी स्टोरी ज़रूर चेक करें, उसके अंदर मैं डाल देता हूँ हमेशा कंपटीशन की डिटेल्स जैसे भी आने होती है। एक दिन आपको मिलता है 24 घंटे के लिए, स्टोरी रहती है, आप जो भी एडिट आप करते हो वो आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ। सो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक देखा।